अरे भगवान, बहुत लेट हो गया। गुड मॉर्निंग मिसेस मेहता। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता। शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये गुलाब आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। शादी की सालगिरह आपको भी मुबारक हो। अब चलो नाश्ता करो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, इसके बाद ही खा सकती हूँ। जिंदगी भर का नियम है ये मेरा। मैंने तुम्हारी तरफ से भगवान जी से 45 साल में एक बार नियम तोड़ने की परमिशन ले ली। तो आज बैठी और बेड ब्रेकफास्ट। ये सब आपने बनाया? हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत चीटिंग के साथ, पार्वती मदद। लो। कैसा बना? बहुत अच्छा बना आपने। खाया? खा के देखो। हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद हफ्ते में दो बार शादी की 45वीं सालगिरह मनाई जाए। जो हुक्म मेरे आका, ये गुलाम है आपका। अच्छा। छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। अरे तुम तो अपना गिफ्ट मुझे दे चुकी हो। लेके पहला पहला प्यार। जितनी सुंदर शादी के दिन लग रही थी, आज भी उतनी ही, बल्कि उससे ज्यादा सुंदर लगती हो तुम। आपको याद है? और मुझे ये भी याद है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि आपको कोई गाना वाना आता है और तुम फौरन शुरू हो गई थी। याद है कौन सा गाना था? ऐसे नहीं है, गा के। पिया तो से ना लागे रे, शिवलाल ने मीठे में क्या बनाया। संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो। थैंक यू। अच्छा भाई, इस मौके पर तुम सबका यहाँ होना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज देवयानी भी आ गई होती। एक मिनट, मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं बस अभी आई। रीता, अब क्या है? क्या है बता? साइड 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 लीजिए। चाची जी, चाचा जी, ये हम सब की तरफ से आपके लिए। अच्छा, खोलिए खोलिए। ये तो हमारी शादी के दिन की है। हाँ। ये तुम लोगों को कैसे मिली? बापूजी वो क्या है ना, जब हम लोग पिछली बार यहाँ आए थे तब गायत्री दीदी ने पुराने वाले फोटो एल्बम में ये तस्वीर देखी थी, बस उसी से हमने ये पेंटिंग बनवा ली। बेटा ये हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा है। पिया तो से नैना लागे।
गाना सुना ये गाना। दादाजी। अरे अरे मैं क्यों सिखाऊंगा, अरे मैं तो जैक एंड जिल हम्प्टी डम्प्टी सिखाऊंगा। शिमला हर्ष तालगा चलो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? याद है उस दिन क्या कहा था तुमने? दिल कर रहा है कि तुमसे दोबारा शादी करूं। जनाब उस वक्त मैं छोटी थी, कुछ बोल नहीं पाई। क्या पता इस बार मना कर दूं। उस दिन तो तुम कुछ कह नहीं पाई थी। चलो आज एक और मौका देते हैं तुम्हें। मुझसे शादी करूंगी फिर से। अरे शिवलाल तू? आज हमारे पंडित शिवलाल काका ही है। शिवलाल जी चलिए बस जल्दी कीजिए। हाँ कन्या आ गया है। फेरे शुरू करो। फेरे समाप्त हुए, पुनर्विवाह संपन्न हुआ। आजा 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 आजा। Say cheese. Cheese. सुनो बच्चों, आज हमारी शादी की सालगिरह पर आप सब लोग हमें एक एक गिफ्ट देंगे, और वो भी ऐसे गिफ्ट जो हम चाहेंगे। हमने हमारी डिमांड कुछ पर्चियों पर लिखकर यहां हमारे पास रख दी है। पलक और बीजल ये सब में बांटेंगे। ये तो चीटिंग है माँ, हम सब की तरफ से तो गिफ्ट पहले ही मिल चुका है आपको। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? बेटा हम तुम लोगों से कोई तुम्हारी जायदाद नहीं मांग रहे।
सबसे पहले गिफ्ट देगी हमारी दो नन्ही नन्ही परिया। आओ। ये। एक पोयम सुनाओ। हम करते हैं दादा दादी से बहुत प्यार, आपके लाइफ में आए दिन बार बार। मेरी बच्ची, अब अगली पर्ची पड़ेगी रीता। हम लोग वहां बैठते हैं। हाँ। तो आप सबके सामने पेश है बादशाह अकबर और अनारकली इन मुगले आजम। हमें यकीन है कि कैद खानों के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खानों के खौफनाक अंधेरे इस कनीस की आरजुओं की रोशनी से कम थे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजुएं और बढ़ जाएंगी और बढ़ती हुई आरजुओं को कुचल दिया जाएगा और जिले इलाही का इंसाफ। खामोश। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। जिले इलाही परवर्दिगार, मुझे हिम्मत अदा फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर पाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह, टू गुड। बस हो गया, अब अगली बारी है गायत्री की। डांस। अब बारी है परिमल की। माँ आप तो जानते हैं कि गाना मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। अपनी माँ के लिए भी नहीं गाओगे बेटा? गा दीजिए ना। गाते थे, बहुत अच्छी तरह गाते थे, कॉलेज का वक्त और था। अब एनीवे मां, आपके लिए। ये दुनिया, ये महफिल, मेरे काम की नहीं,
मेरे काम की नहीं ये दुनिया ये महफिल, मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। थैंक यू। अटेंशन अटेंशन, इसके पहले कि माँ जी किसी और का नाम ले, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि माँ जी बहुत अच्छा नाचती हैं। अरे नहीं नहीं रीता, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। चाची जी झूठ मत बोलिए, पता है मैं जब छोटी थी तब मैंने चाची जी को पूरनमल जी के बेटे की शादी में डांस करते हुए देखा था। है ना, चलिए ना प्लीज थोड़ा सा। अरे वो कब की बात है, अब इस बुढ़ापे में। अरे माँ क्या, नहीं नहीं बेटा कहेगा तो भी डांस नहीं करो। हिला जब सब कह रहे हैं तो दिखा दो ना। क्या चलिए ना तुम चारों से कुछ बात करना चाहते हैं। इला और मैंने बड़ी मुद्दत के बाद इतनी खुशी महसूस की है, क्योंकि हम सब इतने दिनों के बाद एक साथ इकट्ठे होंगे। और बेटा हम चाहते हैं कि हमारी ये खुशी परमानेंट हो जाए और हम मुंबई में एक साथ रहें। कहाँ? आपके उस छोटे से घर में? बापूजी वो घर छोटा था इसीलिए तो हम सब अलग रहने चले गए थे। नहीं बेटा, एक नए बड़े से 6 बेडरूम के फ्लैट में। और वो आप खरीदोगे? नहीं, हम सब मिलके खरीदेंगे। देखो मैंने एक फ्लैट देखा है, 5 करोड़ का है। अपनी सेविंग्स, पुराना घर, इन सबको मिल मिलाकर मैं 3-3.5 करोड़ कर लूंगा। बाकी का 1.5 करोड़ हम बैंक से लोन ले लेंगे, जिसकी किश्त लगभग हर महीने 1-1.5 लाख रुपया होगी, जो तुम सब मिलकर देते रहना, जितना किराया तुम अभी देते हो। एक घर हम सबका हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो परिमल, अमीर, राहुल, रंजित, क्या क्या कहते हो तुम? बापूजी मैं तो पेइंग गेस्ट में रहता हूँ और सिर्फ 10,000 देता हूँ, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा। अच्छा तो सिर्फ पैसों की वजह से ही ना बोल रहा है तू, नहीं तो तू चला जाता बापूजी के साथ रहे। बापूजी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने जवाब दे दिया, उसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तुम सबकी, सच ना कोई बोलना चाहता है और ना कोई सुनना, और खासकर शराब पिए बिना। हाँ पीता हूं तो तेरे पैसे की पीता हूं, प्रॉब्लम क्या है तेरी? और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। राहुल उस दिन तू नशे में था इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया, आज अगर तूने कोई बदतमीजी की ना ठीक है मां, नो बदतमीजी, जस्ट प्लेन एंड सिंपल जवाब, मुझे नहीं आना आपके साथ रहने के लिए। बापूजी मुझे नहीं लगता कि आपके परम प्रिय निरंजन के अलावा आपके राज्य में कोई प्रजा बनकर रहना चाहे। अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप घूम फिर कर मुझे पे क्यों आ जाते हो यार? अच्छा क्या गलत कह दिया मैंने?
तेरे इस दिमाग के कैलकुलेटर में यही बात चल रही है ना कि बस सिर्फ किराया देना है, बाकी बिजली का खर्चा, राशन का खर्चा, सबसे छुट्टी। बोल, सही कह रहा हूं ना मैं? और तू तो अब ये भी भूल जाएगा कि इतने सालों से तू बापूजी के पीछे पड़ा हुआ है। बेचो ये हवेली, मुझे मेरा हिस्सा दो, ताकि तू किसी बेवकूफी वाले बिजनेस आइडिया में उसे लुटा दे। बोल, भूल गया ना तू? हाँ बापूजी, मेरे इतनी बार कहने पर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी क्यों मानूं आपकी बात? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके साथ रहने। वैसे तो मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी पूछती हूँ, परिमल तेरा क्या जवाब है? माँ, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि बापूजी और मेरा मन बिल्कुल मिलता नहीं। हाँ या ना परिमल? ना ना ना,